ओम जय श्री राम। হাতের हाथ का जो पेशी जो मसल्स है यहाँ हाथों का जो बाजू का पूरा यहाँ से अलग अलग ठीक है। यहाँ जो पेशी मसल्स है उसको हम कैसे मजबूत स्ट्रांग बना सके इसके लिए घर में ही आप आसानी से एक व्यायाम कर सकते हो। इसका ऊपर हाथ का जो पाम है पाम का ऊपर ये ऊपर रहेगा जमीन को टच नहीं करेगा ठीक है। एक तो पुशअप हम लोग देता है जैसे जमीन को ऐसे टच करके ऐसे हाथ पूरा रख के और ऐसे तीनों किस्म का एक होगा चौड़ा चौड़ा करके थोड़ा ब्रॉड और थोड़ा मीडियम थोड़ा छोटा ऐसे करने से क्या होगा तीनों एंगल से आपका जो पीछे का जो हिस्सा होगा एक एक अलग अलग करके कट से निकल गया अलग अलग कट्स होगा करने कोई आयरन करना नहीं होगा ऐसे ही होता। हम लोग कुंग फू ट्रेनिंग में ऐसे ही एक्सरसाइज हम लोग करता था और ऐसे ही माना आयरन हम लोग लेता लेकिन बहुत कम थी उतना समय कहाँ है। आयरन लो आयरन लेके व्यायाम करो उसके बाद पीटी करो फ्री हैंड करो फिर ट्रेनिंग शुरू करो वो बहुत लंबा समय है। तो ऐसे ही हम लोगों का हो जाता हम तो कम थी लेता आयरन बहुत ही हम ज़्यादा से ज़्यादा शरीर का जो वेट है बदन है उसी का वेट से मैं व्यायाम करता हूँ। आप लोग भी करो सुस्त रहेगा और शरीर मजबूत रहेगा। बाहर से वेट अप्लाई मत करो पहले अपना जो बदन है उसको आजमाना सीखो ठीक है। हम लोग का गलती सबसे बड़ा होता क्यों है हम लोग का गलती हम लोग बाहर से पहले बोझ अपना ऊपर थोप देता हूँ अंदर जो है उसको आजमाओ उसको पहले पहचानो हाँ तो ठीक है देखा जाए कैसे होता। चलो इसका ऊपर है तो बाके ऊपर हाथों का मैं तो आप पीछे जा रहा हूं ठीक है। पहले पहले थोड़ा ब्रॉड कर लो चौड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं पांच पांच करके जब आदत आ जाएगा दस बीस तीस एक एक सेट में तीस 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 ऐसे लेकिन पहले पहले कमती कमती करना दर्द भी होगा थोड़ा मसल में और अभी मैं थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूं है समय भी नहीं है समय भी कमती है क्योंकि पिछला दिन यस्टरडे 21 जून था 21 जून था हमारा देश में योग दिवस था देश नहीं है पूरा पृथ्वी में पूरा दुनिया में बहुत आनंद का संवाद है खुशी का संवाद है। चलो देखो जय श्री राम। हाथ का उठा लो थोड़ा हाँ देखो इधर है देखो अभी धीरे वन एक दो सांस लो तीन चार पांच पांच थोड़ा डाउन सकते हो थोड़ा डाउन हो जाओ फिर उठ जाओ अभी थोड़ा छोटा कर लो मीडियम फिर एक ही तरीका एक दो तीन चार प
पांच, डाउन हो जाओ, फिर जाओ, सांस लेते रहना, फिर छोटा। इसमें थोड़ा तकलीफ ज्यादा होता, जितना छोटा होगा उतना प्रेशर ज्यादा आएगा। हाँ चलो, एक दो तीन चार पांच, अभी डाउन हो जाओ, अभी धीरे धीरे बैठ जाओ हनुमान जी की तरह। जय श्री राम। इसमें पूरा बाजू एकदम पूरा, यहाँ का जो मसल्स, यहाँ का पोर्शन मसल्स, साइड वाला मसल्स एकदम हाथ में पूरा एकदम टाइट, पूरा मर्दानी चेहरा होगा, कमजोर नहीं। ताकत होना चाहिए, सिर्फ बाहर से ताकत होने से नहीं होगा, अंदर से भी ताकत होना चाहिए। और ताकत बाहर से नहीं आता, अंदर से होता। पूरा देखो, मेरा मसल्स पूरा एकदम अभी पूरा जोश में आ गया। एक कहावत है हमारा शास्त्र में, शरीर मध्यम खोलू धर्म साधनम। ये जो शरीर है, ये जो काया है, इसी का माध्यम से हम साधना धर्म का चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपना शरीर शास्त्र को हमेशा निरोग रखता है, और इसी का माध्यम से वो अपना पुण्य अर्जन करता है, ठीक है। दुर्बल होके, कायर होके, बीमार होके जीना पाप है, महापाप है। तो शरीर को सुस्त रखना हमेशा। आप सुस्त है तो आपका समाज, आपका राष्ट्र सुस्त होगा। और हाथ, हम लोग प्रैक्टिस में, कुंफू प्रैक्टिस में जब हाथ, हमारा हाथ जब छोड़ते, कैसे हम हाथ को थ्रो करते हैं, पांच, आप लोग कहते हैं ना इसका पांच बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। आप भी ऐसे पांच कर सकते हो। जो नाभि है, नाभि का शक्ति को आपको जगाना है, नाभि को खींचना। जब भी देखो नाभि, नाभि को ऐसे खींचना। हमारा तो आदत था कि जब भी नाभि खींचेगा तब भी अनास जो मलदर है ना वो भी कंप्रेस हो जाता। मलदर और नाभि आपका जैसे खींचेगा कप अटक जाता। और यह सदा नाभि से, हाँ, मूलाधार चक्र इसको कहता। यहां से आपका ये ब्रह्म कुंडली है, यहाँ आपका अमृत है, शक्ति है। तो जब भी छोड़ोगे पूरा शरीर का 50 kg आपका बदन है, तो पूरा 50 kg बदन थ्रो होगा सामने, तब फायदा होगा। टाइट हो गया, देखो नाभि खींच दिया, छोड़ दिया, देखो छोड़ दिया नाभि। जैसा हम नाभि खींच दिया, पूरा नाभि के साथ एनास खींच जाता। इसमें बहुत बड़ा कंट्रोल होता शरीर में। नाभि को आप कंट्रोल कर सकेगा तो पूरा सिस्टम को आप कंट्रोल में रख सकोगे। शरीर का इतना सिस्टम है, ऐसे खींचोगे नाभि, ऐसे पूरा पूरा। आप ना, आपको पता चलेगा जैसे छोड़ा
ताकत पूरा एकदम। काल जो था 21 जून, 21 जून वो असली फ्रेंडशिप दिवस था, क्योंकि जोग है ना, जोग मतलब क्या होता, सबको एकत्रित करना, जोग मतलब ज्वाइन करना, फिक्स कर देना सबके साथ, आत्मा के साथ आत्मा का मिलन एक हो जाता, जोग ये सबसे बड़ा। और ऐसे जो बेकार सब क्या फ्रेंडशिप बोलता उसमें पूरा क्या सब फ्रेंडशिप मनाता पता नहीं, फ्रेंडशिप होता तो ये तो जोग दिवस, जोग डे, ये तो असली फ्रेंडशिप है। वासुदेवो कुटुंबकम, ये पूरा दुनिया, इससे बड़ा फ्रेंडशिप और क्या हो सकता है। दूसरा किसी को फ्रेंड बनाओगे और काल धोखा दे के चला जाएगा, कोई काम का नहीं आएगा। तो अपना फ्रेंड खुद बनाओ। अच्छा को फ्रेंड बनाओ, मित्र बनाओ, जैसे भगवान श्री कृष्ण सुदामा दोस्ती था, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का दोस्ती, भगवान राम हनुमान जी का दोस्ती, हाँ यही तो असली फ्रेंडशिप है और क्या है। हाथ को ऐसे पांच ऐसे पावर से अपना छोड़ो, ऐसे छोड़ो, ऐसे छोड़ो, ऐसे पावर से, पावर से छोड़ो ऐसे। आपका एज आयु जो भी हो सकता है, आप सब कुछ कर सकते हो, आपका इच्छा शक्ति है तो, इच्छा शक्ति आपका अंदर जीवित है तो कोई भी काम असंभव नहीं है। और वो तो बहाना है, मेरा तो अभी 50 साल हो गया, मेरा तो अभी 55 साल हो गया, अभी तो मेरा 60 हो गया, अभी तो मेरा 40 उम्र हो गया, क्या करेगा, कुछ नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। ये जो जीवन है ना, जीवन का दूसरा अर्थ है चांस, पूरा फुल ऑफ चांस, फुल ऑफ वैकेंसी, अपॉर्चुनिटी। इसलिए भगवान हम लोगों के जीवन दिया, कोई अपूर्णता नहीं है। इसलिए वेद का मंत्र है ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णः मुदच्यते पूर्णस्य समादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम लोग पूर्ण से पूर्णता अर्जन किया, कोई खाली नहीं है हम लोग, लेकिन हम लोग इतना बावड़े है, इतना बेकार बन चुका है, इतना गवार है हम लोग, आप क्या करेगा, अभी तो समय चला गया, समय नहीं गया, हम लोग समय को ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। तो जाग जाओ, आप सब कुछ कर सकते हो, आपका हाथ में पूरा वैकेंसी है, पूरा अपॉर्चुनिटी है, पूरा चांस है। जब तक आपका जीवन है तब तक आपका चांस है, अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसी है। जब आपका जीवन नहीं रहेगा वो सब खत्म, ठीक है। कभी भी कोई ऐसे बहानाबाजी नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकता तो दूसरा को उत्साहित करो, अनुप्राणित करो, वो करेगा। लेकिन ऐसे मत करना, अभी क्या करेगा ऐसे उम्र में, ऐसे उंगलीबाजी मत करना भाई, देश में ऐसे उंगलीबाजी करते करते देश का हालात अभी ऐसे आ गया, लेकिन अभी तो सुधर रहा है,
अभी आगे आगे बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ सुधरेगा, बहुत भस्मासुर और भस्म हो जाएगा, बकासुर वो भी भस्म हो जाएगा, रंभासुर वो भी भस्म हो जाएगा। तो होना बहुत कुछ है, आप करो अच्छा से करो, आपका अंदर जो हुनर है, जो स्किल है, उसको बाहर ले आओ, समाज को मदद करो, राष्ट्र को मदद करो, तभी तो बोलेगा आप राम का औलाद हो, कृष्ण का औलाद हो, महादेव का संतान हो, नहीं तो क्या बोलेगा, ए बेकार है, ये निठल्ला है, काम छोड़ है, धरती का बोझ मान के बैठा है, कोई काम नहीं करता, खाता है सोता है और बेईमानी करता है। अंदर अंदर ही संकल्प ले लो, मुझे ठीक होना है, ठीक बनना है, ठीक करना है, मेरा हर काम समाज को अच्छा दिशा और दशा दिखाएगा, राष्ट्र को सही मार्ग पे ले जाएगा, मैं ऐसे कुछ करूंगा। आपको बहुत बड़ा कुछ करना नहीं होगा, छोटा छोटा काम करो, लेकिन ईमानदारी से करो, शक्ति के साथ करो, मनोयोग, ये जो मनोयोग है, ध्यान योग, हम लोग बोलते हैं ना ध्यान से करना भाई, जो भी काम करना, ये बहुत पवित्र शब्द है, ये हमारा देश का मनोयोग, ध्यान योग, बहुत अच्छा, तो मनोयोग के साथ करना, ध्यान के साथ करना, आप हमेशा सफल होना, क्योंकि भगवान आपका साथ होगा ही होगा। तो देख लिया ना, और हो सके तो कभी ऐसे मुट्ठी का ऊपर पुशअप देना, इसमें जो कलाई होता, कलाई का बहुत शक्ति आता, मजबूत होता, स्ट्रांग होता कलाई, ठीक है, मुट्ठी का ऊपर, मुट्ठी को टाइट करके आपको देना पड़ेगा। मुट्ठी का बहुत किस्म का एक्सरसाइज है, पुशअप है, ये जो नकेल है, ये जो हड्डी हड्डी दिखाई दे, हड्डी जो है इसका भी ऊपर है प्रेशर, इसका ऊपर आएगा, ये मजबूत होगा, लेकिन आप पहले ऐसे ही करो, प्लेन ऐसे ये कर सकते हो, जमीन पे, खाली जमीन पे लगेगा तो थोड़ा एक मैट और एक कपड़ा फोल्ड करके उसमें डाल के करो, ठीक है, देखो कैसे, कभी कभी ना ऐसे फट ऐसे फोल्ड हो जाता, तो केयरफुली के साथ करेगा, दो दो ही करना, ठीक है, जोर जबरदस्ती तीन या चार या पांच मत करना, क्योंकि जब यहाँ शक्ति आ जाएगा, ताकत आ जाएगा, वो अपना आप दो के जगह चार, चार के जगह पांच छह, ऐसे ही बढ़ते जाएगा, आपको जोर जबरदस्ती करना नहीं होगा, ठीक है, देखो ये भी आप तीन तरीके से कर सकते हो, थोड़ा चौड़ा कर लो, थोड़ा मीडियम, थोड़ा छोटा, ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूं, पहले चौड़ा करके थोड़ा ब्रॉड कर लिया, थोड़ा मीडियम, ये तरह छोटा कर लो, छोटा से ज्यादा ताकत लगता, ये करने के टाइम थोड़ा केयरफुली करना, नहीं तो आप दो ही मारना, ये चौड़ा और मीडियम, नहीं तो पहले मीडियम करना, चौड़ा से सपोर्ट और बैलेंस नहीं मिलेगा, नया नया है ना, और जो ऐसे आदत है उसके लिए ठीक है, वो कर सकेगा, लेकिन जो आप लोग पहले पहले करोगे, थोड़ा मीडियम लो,
चाहे जो भी हो, पुरुष हो महिला हो, जिसका आदत है उसका अलग बात, थोड़ा मीडियम करना, छोटा भी नहीं करना बड़ा वाला भी नहीं करना। जब आदत हो जाएगा मीडियम, ठीक है, तब छोटा में जाना। जब छोटा में आदत हो गया तब बड़ा कर सकोगे, ये उल्टा, छोटा आदत होगा तो बड़ा में जा सकते हो। हाँ, अभी छोटा में या। चलो वन दो थ्री, ऐसे ही आराम से भर जाओ। हड़बड़ी मत करना, कलाई में बहुत प्रेशर आता, इसमें उंगली में, उंगली का ऊपर भी प्रेशर आएगा, पहले पहले लगेगा। दर्द सहनना सीखो, जितना दर्द आप सहनना सीखोगे, सहनना पाओगे जीवन में, आपका जीवन उतना ही मसलिन होगा, उतना ही स्मूथ होगा। और जितना ही कंफर्टेबल लाइफ लीड करोगे उतना ही प्रॉब्लम होगा। कंफर्टेबल आपको जीवन में मुश्किल देगा, रुलाएगा, और जितना कठिन जीवन है आपको जीवन में सुख देगा। याद रखना ये फार्मूला जीवन का, एक कंफर्टेबल में हो तो मुश्किल जीवन में पूरा रहेगा, कदम कदम में आप संभाल नहीं पाओगे, नस्तनाबूद कर देगा आपको। लेकिन आप कंफर्टेबल जोन से बाहर आया और प्रैक्टिकल लाइफ लीड किया तो जीवन में आपको सुख ही सुख मिलेगा। कोई भी चेतावनी, कोई भी चैलेंज आपका सामने आपको डरा नहीं सकेगा, बौना बन जाएगा, छोटा बन जाएगा आपका सामने। भगवान जब किसी को प्रॉब्लम देता, डिफिकल्टी देता जीवन में, उसको टेस्ट करने के लिए, और जीवन को कठिन अनुशासन में रखो, अनुशासित करो, स्ट्रांग डिसिप्लिन होना चाहिए, अपना आपको स्ट्रांग पक्का डिसिप्लिन में रखो, लाइफ बहुत सॉफ्ट होगा। अपना आपको जितना डिसिप्लिन में व्यक्ति रख सकेगा, रख पाओगे, उतना फलाना हो व्यक्ति का जीवन अच्छा होगा। हम लोग हमेशा 99.99% व्यक्ति ऐसे ही गलती करके बैठता, हम लोग को डिसिप्लिन में नहीं रखता। खुद को डिसिप्लिन में रखना सीखो, तब देखना जीवन कितना अच्छा होगा, हमेशा जीवन में खुशी रहेगा। इसलिए आसान लाइफ, इजी लाइफ लीड मत करना, कंफर्टेबल में मत देखना, वहाँ कदम भी मत बढ़ाना, वहाँ जहर है। जितना सांस धस के आएगा, सांस धस के तो शूर्पणखा भी आया था, पूतना राक्षसी भी आया था, हाँ, कितना एक ब्यूटीफुल प्रीटी लेडी बन के, हाँ, मेरा प्रभु जी का सामने आया, राम जी का सामने आया था, मुझे शादी करो, उसको छुट्टी करके दे दिया, चलो भाई चलो यहाँ से आगे बढ़ो, कोई शूर्पणखा का यहाँ जगह नहीं है। ऐसे जगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी, उन्होंने एक ही किया, पूतना आया, हाँ, उसको भूत बना के छोड़ा, छठी का दूत याद दिला दिया, चलो। तो ऐसे आप भी राम कृष्ण का संतान हो, मरा मरा बन के मत रहो जीवन को। भगवान श्री राम का जीवन देखो, 14 साल पूरा जंगल में था, कितना कठिन डिसिप्लिन था, और हम लोग मुख में बोलते जय श्री राम, जय श्री राम, है ऐसे, क्या बेकार का है। और जितना भी मुख में डालते हो ना आप लोग, बंद करना,
नेशा गुटका क्या क्या मुख में डालते हो, जो मुख से आपका माँ को माँ बोलते हो, भगवान का तप करते हो, मंत्र बोलते हो, भगवान को डाकते हो, और जीवा को कैसे आप लोग गंदा कर सकते हो। मत करो ऐसे गंदा जीवा को, जवान को। मुख में क्या क्या मुंह में डाल के जय जय राम जय जय राम जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। हनुमान आएगा तो एक मारेगा मुट्ठी उसका गदा से, तेरा ऐसी की तैसी करके छेड़ेगा। जय हनुमान मुंह में डाल के दोष हमारा है, कोई राजनेता का नहीं है, नेता नेत्री का नहीं है, व्यक्ति व्यक्ति का समस्या है, प्रॉब्लम है हम लोगों अंदर। एक एक व्यक्ति जब ये प्रॉब्लम सुधर सकेगा, श्राद्धा करो अपना आप निकल जाएगा। कुछ हो गया अलाना हो नेता ऐसे किया, अरे सबसे बड़ा सबसे पहले तो हम लोग है शैतान, सबसे बड़ा शैतान है। ठीक करो हमारा अंदर जो राक्षस राक्षसी बैठा है, चुड़ैल बैठा है, उसको विनाश करो, जैसे हाल में हो जैसे भी हो। भगवान तुम्हारा साथ हमेशा रहेगा, प्रभु हमेशा तुमको पौध दिखाएगा, सही मार्ग दिखाएगा। भगवान का घर में कभी भी अंधेरा नहीं होता। जय श्री राम, जय हिंद।